पूरे महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स के ऊपर जो है तो उनके घरों के ऊपर जो है तो एनआईए की रेड हुई और 100 से भी ज़्यादा जो है तो लीडर्स को जो है तो अरेस्ट किया गया और औरंगाबाद के अंदर भी जो है तो हमारे जो है तो लीडर्स को भी जो है तो अरेस्ट किया गया, जो कि मैं इसकी जो है तो कड़ी जो है तो मजम्मत करता हूँ। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है तो एक रेड था और ये अरेस्टिंग थी, एक असंवैधानिक तरीके से जो तो इनको अरेस्ट किया गया है और उसके ऊपर जो तो कुछ इल्ज़ाम जो तो अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं अभी, और क्या है तो लीगल प्रोसेस हम लोग जो है तो कोर्ट का प्रोसीजर हमारा अभी चालू है इंशाल्लाह। के लिए नहीं है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर उनको हर तरीके से जो है तो आवाज उनके खिलाफ पे उठा रही है, इसके लिए जो तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं इस हुकूमत से ये बात वाजे तरीके से कहना चाहता हूँ कि आप कितने भी कोशिश कर लो, कितने भी अगर बोलो, कितने भी चीज से हमको रोको, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हक की आवाज है और ये आवाज बढ़ती जाएगी, कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। पॉपुलर फ्रंट कनारा है, पॉपुलर फ्रंट कनारा है, और जो आने का मकसद यही था और इसी बात को बोलकर मैं इंशाल्लाह अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह यहाँ से आगे भी और इससे भी बड़ा आंदोलन हमको करना पड़े तो शहर औरंगाबाद के अंदर इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन हमारे जो लीडर्स को जल्द से जल्द लिया करने के लिए और अनकंडीशनली हमारे लीडर्स को लिया करना है। हुकूमत से मैं जो है तो ये बात कर रहा हूँ तो इससे भी बड़ा एहतजाज पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो किया जाएगा। असल में आप लोग सब जानते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे मुल्क भर में जो है तो अपने सामाजिक खिदमत की वजह से जो है तो जानी जाती है। लेकिन आज देखेंगे हम आज के दिन जो है तो सुबह में मिडनाइट के अंदर जो है तो 3-4 बजे पूरे महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स के ऊपर जो है तो उनके घरों के ऊपर जो है तो एनआईए की रेड हुई और 100 से भी ज़्यादा जो है तो लीडर्स को जो है तो अरेस्ट किया गया और औरंगाबाद के अंदर भी जो है तो हमारे जो है तो लीडर्स को भी जो है तो अरेस्ट किया गया, जो कि मैं इसकी जो है तो कड़ी जो है तो मजम्मत करता हूँ। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है तो एक रेड था और ये अरेस्टिंग थी, एक असंवैधानिक तरीके से जो है तो इनको अरेस्ट किया गया है और उसके ऊपर जो है तो कुछ इल्ज़ाम जो है तो अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं अभी, और क्या है तो लीगल प्रोसेस हम लोग जो है तो कोर्ट का प्रोसीजर हमारा अभी चालू है इंशाल्लाह। क्यों किया गया, अरेस्ट क्यों किया गया? अभी जो है तो आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क भर के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही एक वाहिद तंजीम ऐसी है जो हुकूमत के खिलाफ जो है तो आँख में आँख डालकर जो तो बात करने वाली तंजीम है। आप देख रहे हैं कि आज जो है तो माइनॉरिटीज़ के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है और ये गवर्नमेंट के अंदर में हो रहा है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है तो इसकी जो है तो कड़ी मुखालिफत करता है, तो इस बेसिस के ऊपर जो है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट बनाया जा रहा है। औरंगाबाद से कितने लोग अरेस्ट किए? औरंगाबाद से जो है तो अभी हमारा कन्फर्मेशन सिर्फ 3 लोगों का है, मीडिया के अंदर कुछ कम ज़्यादा आ रहा है। एक जो है तो हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौलाना इरफान मिल्ली साहब है और दो और एक जो है तो परवेज खान बोलकर है जो हमारे मेंबर रह चुके हैं और हर दो नाम है लेकिन उनके कंफर्मेशन नहीं है। सुबह उनसे कांटेक्ट हुआ? कांटेक्ट अभी कुछ नहीं हुआ लेकिन हमारे पास जब कंफर्मेशन आया तो तकरीबन एक 8-9 बजे हमको मालूम पड़ा कि भाई ये ऐसी ऐसी हमको जो है तो रेड हुई है बोल के और उनको अरेस्ट किया गया है। आप लोग कौन कौन प्रोसेस में थे यहाँ पर, कौन कौन शामिल थे यहाँ पर? जो है तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी, हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब सैयद इमरान साहब है, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ औरंगाबाद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया समीर शेख। थैंक यू।